बच्चों हम पढ़ रहे थे गद्य पाठ चार सर्वेश्वर दयाल भक्तराय द्वारा लिखा गया पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो कि है फादर कामिल विल्के के बारे में। कल हमने इसका पहला गद्यांश पढ़ लिया था जिसमें कि उन्होंने बताया है किस तरह से वो लगते थे, कैसे दिखाई देते थे और क्यों लेखक को लगता था कि वो मानवीय करुणा की दिव्य चमक है। आगे पढ़ेंगे सेकेंड पैराग्राफ से। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। लेखक कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मन कहीं नहीं लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं अकेले में जाके बैठते हैं और पुराने जो गाने होते हैं, जो मतलब वो वैसे शांत वाले जो गाने होते हैं वो सुनते हैं, तो कह रहे हैं कि और हमारे मन को शांति मिलती है। तो उसी तरह से जब कभी मन विचलित होता है तो फादर को याद कर लो तो मन को उसी तरह से शांति मिलती है, उसी तरह से स्फूर्ति आ जाती है जिस तरह से पुराने गानों को सुनकर आती थी। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था और अगर उनके दर्शन हो जाएं, अगर आप उदास हैं और उनके दर्शन देख लिए तो ऐसा लगता है मानो करुणा के हमने शुद्ध जल में स्नान कर लिया हो। और उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था और यदि आपका सौभाग्य है कि आपको उनसे बात करने का मौका मिल जाए तो आप कर्म के संकल्प से भर जाएंगे, मतलब आपको इतना ज़्यादा वो प्रेरित कर देंगे, इतना ज़्यादा आपके अंदर प्रेरणा भर देंगे काम करने के लिए कि आपको लगेगा कि आप कर्म के संकल्प से भर गए हैं, अर्थात वो सबको मोटिवेट करते थे। तो ये लाइन समझ में आई आप लोगों को कि उनसे बातें करना, मतलब तीन बातें बताई है उन्होंने कि अगर आपको कभी उदास हैं तो आप उनको याद कर लें, कभी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं उनके स्नान का सौभाग्य, उनको दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो लगता है जैसे मानो कि हमने करुणा के निर्मल जन्म स्नान कर लिया, और अगर आपने उनसे बात कर ली तो आपको काम करने के लिए इतना ज़्यादा प्रेरित करेंगे, इतने ज़्यादा आपके अंदर प्रेरणा भर देंगे कि ऐसा लगेगा मानो कर्म के संकल्प से आप भर उठे हैं। मुझे परिमल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक संबंध में बंधे जैसे थे। परिमल एक पत्रिका का नाम था तो परिमल पत्रिका के में रहे थे ये लोग लेखक के साथ में, वहाँ पर फादर कामिल विल्के भी थे। तो कह रहे कि उस दौरान हम लोग जितने भी कार्यकर्ता थे परिमल उस पत्रिका के संचालन के लिए, सभी एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, मतलब वैसे पारिवारिक संबंध नहीं थे लेकिन एक ऐसा लगता था मानो हमारा एक पूरा परिवार है जो कि हम साथ में रहते हैं और एक दूसरे से अपनी जो समस्याएं होती थी बात करते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करते थे। जिसके बड़े फादर बुल्के थे, तो परिवार का कोई ना कोई एक मुखिया होता है तो ऐसा लगता था मानो फादर कामिल बुल्के जो थे वो इस हमारे परिमल परिवार के सबसे बड़े थे, बुज़ुर्ग जो थे वो फादर कामिल बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते। कह रहे कि जब कभी होता था काम करने के बीच में हम लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे होते थे तो निर्लिप्त शामिल रहते, मतलब ऐसा नहीं था कि वो सबसे बड़े थे, संस्था के प्रमुख थे तो हम लोगों के साथ में घुले मिले ना, लेकिन वो हम कोई भी हंसी मजाक कर रहे होते थे हम लोगों के साथ में शामिल हो जाते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते और जब हम लोग कोई बात कर रहे होते तो वो भी आ जाते थे और बिल्कुल सीरियस होकर बहस करते थे। ऐसा नहीं होता, लगता था कि वो हमारे परिवार हमारे इस परिवार के सबसे बड़े हैं तो बिल्कुल अलग अलग रहे, ऐसा नहीं, बिल्कुल साथ में हम लोग के बहस करते थे। हमारी रचनाओं पर विवाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। और कह रहे हैं जब हम अपनी कोई रचना, क्योंकि जो जितनी भी पत्रिका वगैरह निकलती हैं तो उसमें जो लोग होते हैं बस कुछ ना कुछ उसमें छापते रहते हैं, सब रचनाकार ही होते हैं, तो कह रहे हम जब भी कोई हम में से कोई नई रचना लिखता था तो बिल्कुल बेवाक होकर आए देते, बेवाक होकर मतलब बिल्कुल फ्रैंक होकर, ऐसा नहीं है कि इसको बुरा लगेगा या ये गलती इसकी इसको नहीं बतानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल सही राय देते थे। और अगर किसी के घर में कोई उत्सव होता था, कोई संस्कार होता था तो उसमें ज़रूर आते थे और वहाँ पर आके बिल्कुल बड़े भाई या पुरोहित जैसे, मतलब जैसे घर का बुज़ुर्ग होते हैं उस तरह से आके काम करते थे, हर काम में मदद करते थे और आशीषों से भर देते थे, बिल्कुल वैसे ही आशीर्वाद देते थे जैसे हमारे घर के अपना कोई बुज़ुर्ग दे रहा हो। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। अब हम लोगों के घर में होता है, हिंदुओं के घर में जैसे होता है बच्चा जब 6 महीने के करीब हो जाता है तो उसका अन्नप्राशन संस्कार होता है। तो कह रहे हैं कि मेरे बेटे का भी अन्नप्राशन संस्कार होना था और घर में उत्सव था तो उसमें आए थे फादर कामिल बुल्के भी आए थे, उनको भी मैंने बुलाया था और उन्होंने आकर सारा काम अपने ऊपर लिया, जैसे घर का कोई बुज़ुर्ग ही डालता है बच्चे के मुँह में पहला अन्न का दाना, तो उन्होंने मेरे बेटे को का अन्नप्राशन कराया, उसके मुख में पहला अन्न का दाना उन्हीं के हाथों से डाला गया था। और नीली आँखों में की चमक में तैरता बात्सल्य भी, तो कह रहे मुझे आज भी याद है किस तरह से उन्होंने
मेरे बेटे को पहला अन्न खिलाया था, अन्न का दाना खिलाया था, और उस समय उनकी नीली आंखों में जो बात्सल्य तैर रहा था, बात्सल्य आप लोग को पता है बच्चों के प्रति प्रेम होता है, तो मेरे बेटे के प्रति उनके मन में जो प्रेम भाव दिखाई दे रहे थे वो ऐसा लग रहा था मानो हमारे घर का ही कोई बुजुर्ग हों, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। तो जैसे घर में बड़े होते हैं तो छोटे लोग क्या करते हैं, सब हर काम से निश्चिंत रहते हैं कि चलो ये है संभाल लेंगे सब। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था उस समय जैसे कोई देवदारू की छाया हो, मतलब कोई पुराने वृक्ष की छाया हो जिसमें कि हम लोग बिल्कुल खड़े हैं और स्वतंत्र और सुरक्षित खड़े हुए हैं। कहाँ से शुरू करें, इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। लेखक कह रहा है कि उनकी यादें इतनी हैं मेरे साथ कि मुझे समझ में नहीं आता कि उनकी उनको याद करूँ तो कहाँ से शुरुआत करूँ। फिर लेखक कहते हैं चलो इलाहाबाद से शुरू करते हैं। तो इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। इलाहाबाद के बारे में बता रहे हैं कि मैं भी इलाहाबाद में रहता था और फादर कामिल बिल के भी वहीं रहते थे, अपने काम के लिए आने जाने के लिए साइकिल का प्रयोग करते थे। तो कह रहे हैं कि मुझे एक दृश्य याद आ रहा है कि वो साइकिल पर चलते हुए आ रहे हैं। वह हमारे पास आकर रुकती है और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका कोई परिचित है साइकिल आकर उसके पास रुक जाती थी। मुस्कुराते हुए उतरते हैं, एकदम बिल्कुल मुस्कुराहट के साथ, मतलब अच्छा स्वागत करते हुए सामने वाले को भी अच्छा लगे इस तरह से अपनी साइकिल से उतरते हैं। देखिए देखिए मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ, और उनके सबसे पहले वचन क्या होते थे, सबसे पहले क्या कहते थे वो, क्योंकि हम लोग सब परमल संस्था से जुड़े हुए थे तो किसी न किसी की रचना को पढ़ते रहते थे और उसको अपनी राय देने के लिए ही ढूंढते रहते थे, और जैसे ही किसी को देखते फौरन उतरते उससे ये कहते कि देखो मैंने उसे पढ़ लिया है और मैं तुम्हें अब उसके बारे में सुझाव भी देना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ। तो उनका ये सबसे पहला वाक्य होता था जो कि वो किसी से मिलते समय कहते थे। उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है। कह रहे हैं कि उनको हमने इतने साल से मैं परिचित हूँ उनका, लेकिन मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वो किसी पर क्रोध करें, जब भी देखा आवेश में देखा, आवेश यानी काम करने के जोश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। तो जोश में देखा है काम करने के और ममता और प्यार से लबालब छलकता, मतलब जब भी देखा है सामने वाले के प्रति उनके मन में बात्सल्य की ममता की भावना ही दिखाई दी है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई। लेखक कह रहे हैं कि जब भी मैं उनको देखता हूं तो मेरे मन में सवाल आता है कि कहां बेल्जियम और कहां भारत, पता नहीं कैसे उनके बेल्जियम में, और ये भी नहीं है कि बचपन से पढ़े ना हो, इंजीनियरिंग कर रहे थे और इंजीनियरिंग में भी ऐसा नहीं है कि बस दाखिला लिया ही लिया था, पूरा कर लिया था, अंतिम वर्ष में था। फिर पता नहीं उनके मन में ऐसी क्या इच्छा जागृत हुई सन्यासी बनने की, इच्छा आखिर कैसे आ गई, मतलब एक इंसान जो कि अपने देश का भी नहीं है दूसरे देश का है, और वो कैसे पढ़ा लिखा इंसान कैसे दूसरे देश में आकर सन्यासी बन सकता है, जबकि घर भरा पूरा था, दो भाई एक बहन माँ पिता सभी थे, और ऐसा भी नहीं था कि परिवार में कोई कमी हो, परिवार पूरा था उनका, घर में माँ बाप भी थे, भाई बहन भी थे, सभी थे, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा आखिर कैसे जागृत हो गई। तो इतना हमने पढ़ा, इसमें से आप कठिन शब्दों को पढ़िएगा, पीछे दे रखे हैं पाठ के अंत में, यहाँ से और समझने का प्रयास कीजिए, इतना पढ़िए, फिर अगला कल की वीडियो में देखेंगे हम।